हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड द्वितीय वर्ष संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण में हम इकाई फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं, हमारे जो रिवीजन चल रहे हैं। और आज जो हम अध्ययन करेंगे कि संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य, यानी संस्कृत का शिक्षण जो करवा रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसके पीछे हम बच्चों को संस्कृत क्यों पढ़ाई जा रही है। हर चीज का एक कोई उद्देश्य होता है, इसी तरह से संस्कृत पढ़ाने का भी एक उद्देश्य है। संस्कृत बोला है कि क्यों सिखाई जा रही है, क्यों पढ़ाई जा रही है, संस्कृत का बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, जबकि संस्कृत अभी हमारे बोलचाल की भाषा नहीं है, हमारे दिनचर्या की भाषा नहीं है। ये संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा मानी जाती है, जब उस समय वैदिक संस्कृति, वैदिक काल में ही संस्कृत बोली जाती थी। लेकिन इस संस्कृत से ही हमारी भारतीय संस्कृति का पता चलता है, इसलिए हम संस्कृत को महत्व देते हैं और बच्चों को भी संस्कृत पढ़ाने का मतलब कि पढ़ाने में सहयोग देते हैं। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है बीएड फर्स्ट सेकंड ईयर, प्रकरण रहेगा अपने प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य, वैसे संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हर स्तर पर, यानी प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और कॉलेज स्तर पर हर बच्चों के लिए उद्देश्य अलग अलग निर्धारित होते हैं। हर बच्चों के लिए, हर मतलब कि उनकी आयु के अनुसार, उनके मानसिक आयु के अनुसार, उनके बुद्धि लब्धि के अनुसार, उनके शारीरिक विकास के अनुसार संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। विश्व के अंत चिरतम सत्यों के साथ ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है कि आज उसी सिद्धांत, उसी नियम और उसी विषय को अंगीकार करते हैं जिसके कुछ निश्चित लाभ होते हैं, यानी उसी के ही हम उस विषय पर ही हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं जिसके पीछे उसका लाभ हो। लाभ नहीं हो तो उद्देश्य निर्धारित नहीं होते हैं। जिसके कुछ निश्चित लाभ होते हैं, इसी तथ्य के संदर्भ में संस्कृत विषय को तभी स्वीकार किया गया ताकि उसके निश्चित उद्देश्य निर्धारित किए लिए गए, क्योंकि बिना उद्देश्य के निर्धारित करके शिक्षण करना गंतव्य यात्रा है। तो हम अलग अलग स्तर पे, आज हम पहले प्राथमिक स्तर पर हम संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं, उसके बाद में माध्यमिक स्तर पर और उसके बाद में उच्च स्तर पर हम संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य देखेंगे। अब प्राथमिक, उस प्राथमिक स्तर पर यानी पहले से लेकर आठवीं कक्षा तक के बच्चे, वे बच्चे जिनके दिमाग में बिल्कुल कुछ नहीं होता है, जिनके दिमाग मतलब अनुभव कुछ नहीं होता है, यानी बाल्यावस्था होती है और किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो इस अवस्था में, यानी एक से आठ तक मानव की ये अवस्था बाल्यावस्था और अंतिम चरण में किशोरावस्था का प्रारंभिक चरण होता है, अर्थात संक्रमण काल होता है, अर्थात मानसिक उथल पुथल का समय माना जाता है। तो इस समय जो संस्कृत शिक्षण के जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं वो बहुत ही सोच समझ के करने पड़ते हैं, अन्यथा जो बचपन की जो एक स्थिति होती है उसमें उथल पुथल की अवस्था होती है, अगर थोड़ा सा भी अगर दबाव दिया जाए तो वो उस चीज को नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं सहन कर पाएंगे। आज हम उन्हीं उद्देश्यों की बात करेंगे। सबसे पहले है कि सरल गद्य खंडों को शुद्धता से पढ़ सके, सरल गद्य खंडों को शुद्धता से पढ़ सके। दूसरा है सरल पद्य खंडों को गतिपूर्वक पढ़ सके, सरल पद्य खंडों को गतिपूर्वक पढ़ सके।
इसी तरह से तीसरा है आदर्श श्लोकों को इच्छा अनुसार पढ़ सके, यानी श्लोकों को तो इच्छा अनुसार पढ़ सके, ठीक है। इसी तरह से कठिन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखकर लिख सके, कठिन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखकर लिख सके, कठिन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखकर लिख सकते हैं। इसी तरह से पांचवा है पद्यांशों के शब्दों को विग्रह कर अर्थ निकाल सके, ठीक है। छठा है याद करें के श्लोकों के बिना देखे लिख सके, मतलब याद किए गए श्लोकों को बिना देखे लिख सके। सातवां है श्रुति रेख के रूप में गद्य खंडों की लिखने की क्षमता कर सके, श्रुति लेखों के माध्यम से गद्य खंडों को लिख सके। आठवां है सरल वाक्यों का मौखिक रूप से अर्थ जान सके। नौवा कौन सा होगा मातृभाषा के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कर सके, मातृभाषा के शब्दों को सॉरी वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सके। इसी तरह से दूसरा है और सरल वाक्यों को समझ सके, तो इस तरह से ये 10 थे। एक और है सरल वाक्यों की पुनरावृत्ति कर सके। सरल वाक्यों की पुनरावृत्ति कर सके। तो ये थे अपने 11 उद्देश्य जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू होते हैं और बच्चों को इस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, यानी प्राथमिक जो क्लास के या प्राथमिक कक्षा के बच्चे होते हैं उनका जो अनुभव होता है उनका जो ज्ञान होता है वो नील होता है बिल्कुल। उस दिमाग में उस मस्तिष्क में नया ज्ञान सर्जित करना है, नया ज्ञान ढूंढना है, तो उस टाइप से ही संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम जरूरत से ज्यादा या कठिन सब चीजों को हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे उन सब चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे।
और अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।